रिचर्ड पकवान में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर के निमोना। मटर के निमोना बनाने के लिए मैं देखिए सब सामग्री ली हूँ। 250-300 करीब करीब मटर के दाने होंगे, हरे मटर के दाने। दो मैं उबले हुए आलू ली हूँ, 8-10 कलियाँ लहसुन की कलियाँ, आधा प्याज, 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़े, ये सब को मैं अलग ग्राइंड करूँगी और मटर को अलग मैं कच्चा ही ग्राइंड करूँगी। छौंक के लिए जीरा, तेजपत्ता और हींग और बाकी सूखे मसाले से, और बनाने के लिए तेल के लिए मैं सरसों तेल ली हूँ। देखिए मैं प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सब एक साथ डाल करके मैं इसको मिक्सी में पीसूँगी। पीस करके मैं इसका फाइन पेस्ट बनाना है। देखिए मैं 2-3 चम्मच इसमें तेल डाली हूँ कढ़ाई में। अभी आलू को मैं पहले भूज को भूज करके निकाल लूँ। देखिए आलू भून गया, आलू को मैं निकाल दे रही हूँ। अभी तो चाहिए तो कच्चा आलू भी डाल सकती हैं। मैं बॉयल आलू भी डाली हूँ। छौंक लगाऊंगी पहले, सबसे पहले मैं तेजपत्ता डाल दी हूँ, उसके बाद मैं जीरा डालूँगी। हींग में डालेंगे, इसमें हींग थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पड़ता है, मटर नहीं दिया था, मटर से गैस बनता है, हींग थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मटर में डाला जाता है। 2 चम्मच देखिए मैं छोटे चम्मच से हींग डाली हूँ। अभी जब मैं पीस करके प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डलाई हूँ, बस इसको मैं डाल करके इसको मैं देखिए प्याज, मिर्ची, अदरक ये सब जब तक भून रही हूँ इधर, मैं तब तक मटर को पीस करके ला रही हूँ। अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, हल्दी बहुत कम इसमें मात्रा में मैं डालूंगी। तीखी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कलर के लिए कश्मीरी मिर्च। थोड़ी देर देखिए भून करके जब मैं मटर पीस करके लाई हूँ, मटर मैं इसमें डाल दूँगी। हमें इसमें मटर को डाल दे रही हूँ, मटर डाल को भी अच्छी तरह से इसको भूने में। देखिए कच्चा मटर जो मैं पीस करके लाई उसी में से एक मुट्ठी मटर में कच्चा रख दी थी, और मैं सब पीछे वाले मटर को भून के थोड़ा उसके बाद में मटर को भी इसमें एक मुट्ठी डाल दी और डाल कर इसको भी संग संग भूनूंगी। अच्छी तरह से इसको लाल करके भूनना है। नमक देखिए स्वादानुसार डालना, जितना आप नमक आपको आवश्यकता है उस अनुसार नमक डालिए। से 15 मिनट हो गया, अभी अच्छे तरह से पूरा भून गया। अब मैं इसमें जो आलू में भून करके रखी थी आलू को मिक्स कर दूंगी इसमें। अब इसमें जो मटर जो पीस के लाई थी उसी जार में मैं पानी डाल करके मैं इसमें पानी डाल दे रही। ये निमोना खाने में बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकती हैं। अब इसको देखिए उबाल आने तक मैं इसको थोड़ा ढक देती हूँ। उबाल आने के बाद अब देखिए ढक्कन खोल के मैं देख रही हूँ, अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया। अभी बिल्कुल बंद करके एकदम निमोना रेडी है, बिल्कुल तैयार है। मैं गैस इंडक्शन चूल्हा को ऑफ कर दे रही हूँ। देखिए निमोना बिल्कुल बन करके तैयार है, मैं इसको सर्व करके दिखा रही हूँ आपको। और इसमें खाने टाइम में ऊपर से मैं घी और डाल के खाइएगा तो और ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत लजीज लगता है खाने में। ये चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकती है। आशा करती हूँ ज़रूर से बना करके आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा।
इसके पहले बेल आइकन दबाने से ही होगा कि कोई भी मैं वीडियो शेयर करूंगी तो जल्द आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। और भी आशा करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नमस्ते।